हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। माई सेल्फ सौरभ गौतम। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ओके, एंड हाउ वी फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग कंसेप्ट मॉलिक्यूलरिटी। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। सबसे पहले ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस होती क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट देर इज़ अ रिएक्शन लाइक दिस, ओके, और हमें पता है कि हर रिएक्शन के लिए एक रेट लॉ इक्वेशन होती है। इस रेट लॉ इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली, नॉट थ्रेटिकली, इट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ओके, बाय ऑब्जर्विंग द मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन क्या बन गई है? दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ओके, क्लियर। बट वी ऑल्सो नो दैट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एवरी रिएक्शन। हम हर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं ना? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए मान लो आर इज़ द रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं हालांकि लेट अस से दिस इज़ द रिएक्टेंट, ओके, क्लियर, आर, क्लियर। यहाँ पे जनरल टर्म में लिखा है, यहाँ पे मैंने ए बी की टर्म में लिख दिया, यहाँ पे मैंने जनरल टर्म में लिख दिया आर की टर्म में, ठीक है, क्लियर। तो रिएक्टेंट है आर और उसका जो कॉफिशियंट है वो मान लो वन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या आएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और वो नेगेटिव में होता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम डी आर बाई डी टी जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए खुद से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका ये है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा तरीका रेट लॉ इक्वेशन रेट ऑफ एक्शन निकालने के लिए ये है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इन दोनों से रेट ही निकलता है। अगर हम एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, तो ये वाला रेट और ये वाला रेट दोनों इक्वल ही होंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, तो इट मीन्स अल्टीमेटली ये राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसलिए फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस। और इस इक्वेशन में यहाँ पे डिफरेंशियल है ना, इसको अब इंटीग्रेट कर देना। जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे उसके बाद जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन टू इंटीग्रेटेड इक्वेशन रिक्वायर इंटीग्रेशन, ओके। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर द रिएक्शंस विद डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। इसकी जब इंटीग्रेशन कर दोगे यू विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आती हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट बनेगी, सेकेंड के लिए डिफरेंट बनेगी, एंड सो ऑन, ओके। नाउ वी विल डू वन बाय वन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैं प्लस वन प्लस टू लेवल तक और कॉम्पिटिशन लेवल तक जो इक्वेशन आती हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्लियर। जैसे जीरो ऑर्डर बनती है, फर्स्ट ऑर्डर बनती है, और कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्डर भी बनती है, बट वो बहुत कम आती है, ठीक है, क्लियर। बट आपको आइडिया लग जाएगा कि निकालनी कैसे है। जैसे फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, लेट अस हैव अ रिएक्शन, ए इज गिविंग प्रोडक्ट्स, ए इज द रिएक्टेंट एंड ए इज गिविंग प्रोडक्ट, बट दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ओके, इन टर्म ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन विल बी के ए रेज टू पावर जीरो, ओके, क्लियर। एंड फ्रॉम दीज वन एंड टू, दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यू विल गेट दिस इक्वेशन। ए की पावर जीरो का मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात, ए की पावर जीरो क्यों आई? ए की पावर जीरो मीन्स कॉन्स्टेंट वन, समथिंग रेज टू पावर, किसी की भी पावर जीरो कर दो दैट इज इक्वल टू वन होता है, ओके। तो इसको लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, वन लिख दो यहाँ पे, ओके। सो दिस इज योर इक्वेशन विच यू गेट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, ओके, दिस इज द इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया, इसको सेपरेट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन को, ए वाली टर्म एक साइड, डिफरेंशियल वाली टी वाली टर्म एक साइड, इसको इधर ले गए, ओके। नाउ वी विल हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को? लिमिट्स क्या यूज़ करेंगे? शुरू में जब टाइम इक्वल टू जीरो होगा, जब अभी रिएक्शन शुरू नहीं होगा, उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको हम ए नॉट लिख रहे हैं। और आफ्टर टाइम टी क्या रिएक्शन ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? उसको लिख रहे हैं ए टी, ओके,
क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज 80, क्लियर, एंड कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट, ए जीरो, लाइक दिस. ओके, सो वी आर यूजिंग दीज टू लिमिट्स, दीज टू टाइम लिमिट्स, एंड दीज आर दी कंसंट्रेशन एट दोज पर्टिकुलर टाइम्स. ओके, तो हमने ये लिमिट्स यूज कर ली. इंटीग्रेशन का साइन ये होता है. ओके, यू ऑल नो. ओके, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुने, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ड्यू टू मैथमेटिक्स. ठीक है, तो डी ए इक्वल टू के डी टी, लाइक दिस. ओके, एंड डी ए, डी ए मीन्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स. जब भी डी एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज एक्स. ओके, तो इसके लिए डी ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए. ओके, और लिमिट्स अभी पुट करनी है, क्या लिमिट पुट करनी है, वो आपके पास ये रही. ओके, सिमिलरली के डी टी, के इज दी कॉन्स्टेंट. ओके, डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, वही जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, तो डी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट विल बी टी. ओके, तो ये आपने के बाहर निकाल दिया और टी. ओके, एंड टी ये लिमिट्स हो गई. ओके, अब आपने लिमिट्स पुट करनी होती है. लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे माइनस, उसके बाद इसी में लोअर लिमिट पुट कर दो. तो दिस इज, दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आपने अपर लिमिट पुट करी और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करी यहाँ पे इस वेरिएबल में, तो दिस कम्स टू बी टी. ओके, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी. तो यहाँ से के का एक्सप्रेशन क्या आ गया, वन बाय टी ए टी माइनस ए नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के. के इज द, वट इज के, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, क्लियर. तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये जो आया इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस. ओके, क्लियर. अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड. वो वाला टाइम जिस टाइम में आपके पास जितनी कंसंट्रेशन से आप शुरू कर रहे हो, मान लो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली ए नॉट रिएक्टेंट की, और आफ्टर कोई टाइम पीरियड है टी हाफ, जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड कह रहे हैं, और उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन ए नॉट बाई टू रह गई. स्टार्टिंग ए नॉट से थी और रह कितनी गई, ए नॉट बाई टू, हाफ रह गई. क्लियर, तो कितना टाइम लगा ये हाफ रिड्यूस करने में, ठीक है, जितना टाइम लगा कि हाफ सब्सटेंस रिएक्ट हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. कितने टाइम में ऐसा हुआ, इट इज़ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड. सो इट मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी होनी चाहिए, ए नॉट बाई टू, और कंसेंट एट टाइम टी इक्वल टू टी हाफ. टी हाफ किसको बोल रहे हैं, हाफ लाइफ को. क्लियर, कितना टाइम लगा हुआ, टी हाफ. ओके, अब इसी इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी है, इस इक्वेशन से हम हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं. ओके, तो हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर दी, टी की जगह टी हाफ लिखोगे आप और ए टी की बजाय आप ए नॉट बाय टू लिखोगे. ओके, क्लियर, तो ए नॉट बाय टू लिख दिया आपने, यहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया. क्लियर, तो अब आप टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन लगा रहे हो, तो इसलिए ये इसको इधर ले जाओ, के इधर डिवाइड कर दो, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या बन गया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के. ओके, दिस इज दी हाफ लाइफ टाइम पीरियड एक्सप्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन बनती है फॉर हाफ लाइफ टाइम. ओके, क्लियर. और वैसे भी रेट, इसमें रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, के यूनिट्स क्या होंगे, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है. के यूनिट्स क्या थे, मोल पर लीटर रेज टू पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, और यहाँ पे ये एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो, तो यहाँ पे के यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, कौन कौन से एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन आपके दिमाग में होना चाहिए. ओके, और ये याद रखना है आप, अगर नहीं निकल रहा, नहीं याद रह रहा, तो अगर आप लॉजिकली समझ चुके हो उसको, तो आप ऑन द स्पॉट ड्राइव भी कर लोगे. ओके, एग्जामिनेशन में. क्लियर, सो दिस इज इट. ओके, और ये इसके कुछ ग्राफ्स हैं जो हमने अभी स्टडी करने हैं. क्लियर, जैसे ये वाला रिएक्शन जो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. क्लियर, तो इसमें रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, हमने अभी क्या देखा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर इसको देखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड ही नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि ए रेस्ट पर जीरो होता है. इट मीन्स रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन, क्योंकि थ्रू आउट रिएक्शन होता क्या है, ए यूजअप होता है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, बट जीरो ऑर्डर में तो रेट की डिपेंडेंस होती नहीं है,
एक ही कंसेंट्रेशन पे. इट मींस जो रेट है उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा आएगा, दैट विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट चेंज विद टाइम. हाँ, जब सारा का सारा रिएक्टेंट ही यूज अप हो गया और रिएक्टेंट है ही नहीं, रिएक्शन हो ही नहीं रहा, उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली बिकम्स जीरो. ठीक है, ऐसा होता है. रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ डिफरेंट होगा, जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है. ओके, नाउ सम मोर ग्राफ्स. जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? क्लियर? आपके पास क्या इक्वेशन है? ये रही ना इक्वेशन, ठीक है, ये वाली. ठीक है, ए टी माइनस ए नॉट इजिक्वल टू के टी. तो ए टी सॉरी ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी. तो यहाँ से ए टी इक्वल टू सॉरी वेट 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 ए टी माइनस ए नॉट इजिक्वल टू के टी. लेट मी चेक दिस ग्राफ, कहीं पे गड़बड़ लग रही है. यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये नेगेटिव भी था, तो यहाँ पे नेगेटिव आपने अभी काउंट नहीं किया हुआ, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे लगेगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी होता है. क्लियर? इसको करेक्ट कर लो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही नेगेटिव आ जाएगा. ओके, क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन क्या है? ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी. ओके, दिस इज द इक्वेशन. तो यहाँ से ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट आ गया. ओके, क्लियर? तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी. ओके, क्लियर? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? टाइम टेकन. सी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट. और एम स्लोप की वैल्यू क्या होगी? माइनस के. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करवा सकते हो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से. इट मींस ए टी वर्सेस टी का ग्राफ, यहाँ पे ए लिखा हुआ है इन्होंने, इसको ए टी कर लो. ठीक है, ए टी, ए टी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आएगा? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप वाला जो ग्राफ होता है दैट विल बी डाउनवर्ड. ओके, एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट मीन्स ये वैल्यू. ठीक है, यहाँ इस ग्राफ का ये जो इंटरसेप्ट है ये बता रहा है कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली थी. और ये जो स्लोप निकालोगे उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है वो कितना है, क्योंकि ये स्लोप कितनी वैल्यू की होगी? माइनस के की. इस ये स्लोप निकल जाएगी. ठीक है, स्लोप निकालनी कैसे है वो बताया हुआ आपको. इस स्लोप की वैल्यू माइनस के है. क्लियर? तो यहाँ से आप जब स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे, मान लो इसकी कुछ वैल्यू निकाली 2.9 समथिंग, तो इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई? -2.9, लाइक दिस. ठीक है, तो ए टी वर्सेज टी का ग्राफ इज लाइक दिस इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड रेट वर्सेज कंसनट्रेशन का ग्राफ, जैसे मैंने पहले बोला कि रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पर जीरो होता है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो कंसनट्रेशन वर्सेज रेट का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, रेट चेंज नहीं होता क्योंकि कंसनट्रेशन ही चेंज नहीं होती विद टाइम. ओके, क्लियर? और टाइम के साथ भी रेट का ग्राफ ऐसा ही है और कंसनट्रेशन के साथ भी रेट का ग्राफ ऐसा ही है. क्लियर? अल्टीमेटली जब कंसनट्रेशन जीरो हो जाएगी, ओके, नहीं नॉट जीरो, मतलब अल्टीमेटली जब आपके पास जो ए की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है रेट की, तो इसलिए आपके पास ऐसा ग्राफ आ रहा है लाइक दिस. ओके, कांस्टेंट थ्रू आउट कंसंट्रेशन, चाहे जो मर्जी हो, जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू कर लो. अब हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ, ये वाला. ठीक है, इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो. यहाँ पे सी तो जीरो है, हम टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 के. ओके, क्लियर? और सी जीरो है, इट मीन्स ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा. तो टी हाफ वर्सेज ए नॉट का ग्राफ कैसे होगा? लाइक दिस. ओके, स्लोप पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि स्लोप है ही पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ अपवर्ड जाएगा. इंटरसेप्ट नहीं था, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ. तो इस ग्राफ की अगर स्लोप आप एनालाइज करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 के. ओके, क्लियर? तो जो भी स्लोप होगी उसको इक्वल टू 1/2 के कर दो, वहां से भी आप के की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे कई बार आता है ना क्वेश्चन में दिमाग में कि यार हम आप बोल रहे हो सर कि इसमें जो ये वाली इक्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करते हैं? के की वैल्यू कैसे निकालते हैं या टी हाफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब ऐसे निकालते हैं ग्राफ्स ड्रॉ करके. ओके, क्लियर? हालांकि हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे इसको भी कि कैसे निकालते हैं, कैसे ऑर्डर फाइंड आउट होता है. ओके, तो ये ग्राफ थे कुछ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, नाउ दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यही मान रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट है उस जिस पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है। क्लियर, एंड देर इज गिव इट इज़ गिविंग प्रोडक्ट। तो रेट लॉ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की रेट लॉ इक्वेशन तो ये बन गई, और डेरिवेटिव इक्वेशन जो होती है जो सबसे पहले पड़ी थी रेट निकालने के लिए वो ये बन गई, माइनस डी ए बाई डी टी। ओके क्लियर, और इसमें रेट लॉ इक्वेशन में के ए रेज टू पावर वन है। क्लियर, तो इसमें रेट इस साइड और इस साइड रेट है, और लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, तो ये बन गया। क्लियर, तो अब इसको इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेशन करनी पड़ेगी। जो ए ए वाले टर्म है जिसमें ए आ रहा है वो एक साइड, जो टी वाले टर्म्स है वो दूसरी साइड। तो ये वाले टर्म इधर ले गया मैं, ये वाली टर्म इधर ले जाओगे, ऐसे बन जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, लिमिट्स वही हैं। जब टाइम ज़ीरो होगा इनिशियली, तब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी ए नॉट, और जब टाइम टी हो जाएगा देन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी ए टी। ओके, और यही लिमिट्स आपने यूज़ करनी है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड आप कैसे किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, डी ए बाई ए की। ठीक है क्लियर, अब डी ए बाई ए क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये लिखा हुआ मैंने, दैट इज़ इक्वल टू लॉग एक्स। ये कौन सा लॉग है, नेचुरल बेस वाला, लॉग बेस ई वाला। ओके, लॉग एक्स के बराबर होता है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स के बराबर होता है। ठीक क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग एक्स। और यहाँ पे तो के कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, तो यहाँ पे तो डी टी की इंटीग्रेशन ही होनी है, दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया लॉग ए। ओके, अब ये लिमिट्स पुट करनी है, इक्वल टू के टी। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट इसी में पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू आफ्टर लिमिट पुटिंग लाइक दिस। ओके, एंड इट हेयर इट इज़ के टी। ओके, अभी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होना है आंसर। तो आपके पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन बन गई ये, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो या इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, आपकी मर्जी है। जैसे इसमें मैंने क्या किया, अगर इस साइड मैं आने की बात करूँ, ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या बन गया, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ओके, ए टी नहीं लिखा, इसको ए लिख दिया सिंपल। क्लियर, तो आपके पास ये क्या बन गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका क्या होता है, लॉग एम बाय एन होता है ना। ओके, तो ये मैंने बना आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे, इक्वल टू के टी। और जब नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई को आपने चेंज करना हो लॉग बेस 10 से, तो 2.303 से मल्टीप्लाई होती है। ओके, लॉग बेस ई को एल एन लिखते हैं। ओके क्लियर, तो यहाँ पे मैंने लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। बुक्स में लॉग बेस ई को एल एन लिखते हैं, लॉग बेस ई को, और लॉग बेस 10 को सिंपली लॉग लिखते हैं, एल ओ जी लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई हो गई है। क्लियर, तो ये बन जाएगा। ओके क्लियर, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन। अगर आपने इसको ऐसे ना करके ऐसा किया होता कि इसको लॉग एम माइनस एन वाली आइडेंटिटी इस पे नहीं लगानी, तो हमने क्या किया, इसका भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसका भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों के बाहर 2.303 आ गया, इसके बाहर भी, इसके बाहर भी, वो 2.303 बाहर निकाल लिया। ओके, तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू के टी। ओके क्लियर, और 2.303 को इधर जाकर डिवाइड करवा दिया। ओके, और लॉग ये बन गया, उसके बाद हमने लॉग ए आपने एक साइड रखना है, अलग कर देना है, बाकी को दूसरी साइड लेके जाना है। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। ओके क्लियर, इसको इधर लेके गई हैं, इसको इधर लेके गई हैं, और लिखा वैसे उल्टा ही है। ठीक है, जैसे अभी बता देता हूँ, लॉग ए नॉट माइनस के टी 2.303 आ गया इक्वल टू लॉग ए, ये बन गई, और इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। ओके, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने बाय हैंड खुद करोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या लिखा है। ओके, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसमें आपने कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी क्या पुट करनी है, ए नॉट बाय टू। ओके क्लियर, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल रहे हो, टी इज इक्वल टू टी हाफ। ओके क्लियर, तो टी इज इक्वल टू टी हाफ पुट कर दिया। ओके, और ए की वैल्यू जो है वो ए नॉट बाई टू पुट कर देंगे। क्लियर, ए नॉट बाई टू, ए नॉट कट गया, टू ऊपर आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन के लिए, के के लिए, और लॉग ऑफ टू कितना होता है, 0.301। ओके, और टी हाफ इधर ले गए, के इसको इधर लाए, क्योंकि हम टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, दैट्स वाई इसको
एक हाईलाइट देना होता है अलग साइड पे रख के, तो टी हाफ इज इक्वल टू दिस, तो इट मीन्स इसमें जो टी हाफ है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का एक्सप्रेशन आया था वो दैट इज ए नॉट बाय टू के आया था ना, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट लोगे तो हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी हाफ लाइफ चेंज नहीं होती विद इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ हैज़ नो इंडिपेंडेंस, नो डिपेंडेंस ऑन दी इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर के लिए होती है। अगर आप अमाउंट ज़्यादा लोगे रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे रिएक्टेंट की इनिशियली, तो उसके लिए आपको उसको हाफ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होता, जितनी मर्जी अमाउंट लो, 0.5 मोलर ली है उसको 0.25 मोलर करने में भी मान लो अगर टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, तो 0.25 मोलर से 0.125 मोलर करने में भी 20 सेकेंड ही लगेंगे। ठीक है, क्लियर, ये मीनिंग था। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं है, 0.5 मोलर से 0.25 मोलर कर, जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें करने के लिए मान लो आपको 20 सेकेंड लग रहे हैं, क्लियर, बट अगर 0.25 से आपने 0.125 करनी है तो उसको करने में हो सकता है 10 सेकेंड ही लगें, क्योंकि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन शुरू में ज़्यादा होगी इनिशियल कंसनट्रेशन, उतना ही हाफ लाइफ ज़्यादा आएगा, क्लियर, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ओके, अब कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे हम इनके लिए। ओके, हाँ एक और चीज़ बतानी मैं भूल गया कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें जैसे ये यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब ये खुद ही अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता रहता है अपने में से रेडिएशंस निकाल निकाल के। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो भी फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना होता है, मतलब उसमें रेट ऑफ रिएक्शन वाले ये वाले जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाली हैं ये सारी एप्लीकेबल हैं। ओके, क्लियर। अब कुछ एक ग्राफ, अब इसमें लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कैसे, ये रहा इस इक्वेशन से। ओके, वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर दो इस इक्वेशन को, तो वाई के एक्सिस पे लॉग ए, सी में लॉग ए नॉट, और आपके पास एम की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, और एक्स एक्सिस पे आपने टी लिया, तो लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ जो ड्रॉ करोगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू ये हो गई। ओके, और जो इंटरसेप्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ए नॉट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, लॉग ए नॉट, क्लियर। तो इस ग्राफ से आप ए नॉट और के की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपने ये वाला ग्राफ नहीं पुट करना, लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस के का ग्राफ पुट करना है, तो वाई इक्वल टू, ओ सॉरी इसमें इसको इरेज कर दो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो इसमें है ही जीरो हो गया, क्लियर, सॉरी इसमें थोड़ा सा ना इसको रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा आपको, कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे हम लॉग ए नॉट बाय ए, ओके, बाकी सारा उधर भेज देंगे, के टी बाय 2.303 ऐसे लिख देंगे, और इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अब कंपेयर करो, वाई एक्सिस पे ये आएगा लॉग ए नॉट बाय ए, और एम एक्स एक्स एक्सिस पे टी आ जाएगा, और एम क्या है आपके पास, स्लोप के बाय 2.303। ठीक है, तो लॉग ए नॉट बाय ए वर्सेस टी का ग्राफ जो होगा दैट विल बी लाइक, उसमें स्लोप ये आएगी और इंटरसेप्ट जीरो। इंटरसेप्ट जीरो आने का मतलब क्या है, कि आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके, क्लियर। सो ऐसे ग्राफ आपको देखने मिलेंगे एक इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और नाउ दिस इज सम एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, क्लियर। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, जैसे इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू एंथ फ्रैक्शन, एंथ फ्रैक्शन मतलब आपने स्टार्टिंग करी है ए नॉट कंसनट्रेशन से और आपने उस कंसनट्रेशन का एंथ करना है। ओके, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का आपने एंथ करना है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, फाइनल कंसनट्रेशन कितनी करना चाहते हो, ए नॉट बाई एन, इनिशियल कितनी है, ए नॉट, तो टाइम टेकन फॉर रिड्यूसिंग दी रिएक्टेंट टू दी एंथ फ्रैक्शन इज इक्वल टू टी एन, ये हमने लिख लिया ऐसे, क्लियर। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्लियर। ये जितने फॉर्मूला अभी ड्राइव करूंगा ये दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ से आपके पास टाइम टेकन टू रिड्यूस टू द एंथ फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए आई बाई ए एफ, ए एफ की वैल्यू क्या है, ए नॉट बाई एन। ओके, ए नॉट से ए नॉट कट गया, क्लियर, एन ऊपर आ जाएगा, दिस विल बी दी
एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू रिड्यूस द रिएक्टेंट टू द nth फ्रैक्शन। ओके क्लियर, ये शॉर्टकट बना लो, वैसे अदरवाइज आप वही बेसिक इक्वेशन ये वाली जो है वो यूज़ कर लोगे, वहाँ से भी तो निकल ही आएगा वैसे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे अगर आपने टाइम टेकन टू रिड्यूस टू द 3/4, अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को 3/4 करना है तो कितना टाइम पीरियड लगेगा इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ, अगर आपके पास है उसकी टर्म में देखने वाले हैं। 3/4 करने का मतलब क्या होता है कि आपने शुरू में एक्स से एक्स बाय टू करना है और उसके बाद एक्स बाय टू से आपने उसका भी हाफ कर देना है, मतलब एक्स बाय फोर। ठीक, क्लियर, एक्स बाय फोर होगी ना, एक्स बाय टू का हाफ कितना होगा, एक्स बाय फोर। ठीक, तो आपने इस रिएक्शन के दौरान कितना रिएक्टेंट कंज्यूम करवा दिया, 3/4 करवा दिया, क्योंकि शुरू आपने एक्स से किया है, बचा कितना है अब एक्स बाय फोर, तो रिड्यूस कितना हो गया, एक्स में से एक्स बाय फोर माइनस कर दिया तो कितना बना, 3/4 एक्स, दिस इज द यूज्ड अप। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन कि अगर आपने 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो कितनी हाफ लाइफ लगेगी थी, पहले आपने एक्स से एक्स बाय टू किया उसके लिए एक हाफ लाइफ, ओके, फिर एक्स बाय टू से आपने एक्स बाय फोर किया उसके लिए एक हाफ लाइफ। ठीक है, दो हाफ लाइफ लगी टोटल, क्लियर, तो इसलिए ये बोला कि अगर आपने 3/4 करना हो तो उसके लिए कितनी हाफ लाइफ लगती हैं, टू। ठीक है, मतलब 75% अगर आपने रिएक्टेंट रिएक्ट करवाना है। ओके क्लियर, सिमिलरली अगर आपने 7/8 करना है, मतलब इसके केस में आपको 3 हाफ लाइफ करवानी पड़ेंगी, क्योंकि एक्स बाय फोर से आपका हाफ करना है, एक्स बाय फोर से और हाफ करना है, कितना बनेगा, एक्स बाय एट, इनिश स्टार्ट आपने एक्स से किया है, एक्स से एक्स बाय टू हुआ, एक्स बाय टू से फिर आपने एक्स बाय फोर किया हाफ लाइफ, इसके लिए एक हाफ लाइफ, इसके लिए एक हाफ लाइफ, इसके लिए एक हाफ लाइफ। ठीक है, अब बचा कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 8th पार्ट बचा है, रिएक्ट कितना हो गया, एक्स में से एक्स बाय एट घटाओ, 7/8 एक्स, इतना रिएक्ट हो गया, तो इतना रिएक्ट करवाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका हाफ लाइफ में एक्सप्रेशन कितना है, 3 × ½। ओके सिमिलरली अगर आपने 99.99% आपने रिड्यूस करवाना है रिएक्टेंट, नॉट रिड्यूस करवाना मतलब रिएक्ट करवा देना है 99.9%, ओके, और आपने 0.1% लेफ्ट करना है, तो उसके लिए 10 हाफ लाइफ लग जाती हैं। ओके क्लियर, तो अगर आपको कोई पूछ लीजिए याद रख लेना, बस इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना कि अगर 99.9% आपने रिएक्टेंट रिएक्ट करवाना है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट रिएक्शन, तो उसके लिए हाफ लाइफ निकालो, उसका जो 10 टाइम्स आएगा उतना टाइम लगता है इन ऑर्डर टू रिएक्ट 99.9% ऑफ द रिएक्टेंट। ओके क्लियर, अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए हम एवरेज लाइफ की टर्म में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर, एक तो होगी हाफ लाइफ, एक होती है एवरेज लाइफ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एवरेज लाइफ होती है। ओके और एवरेज लाइफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/k, यही थोड़ा सा याद करना है आपने फॉर्मूला कि एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस इज इक्वल टू टी इक्वल टू 1/k, के निकाल लो आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, क्लियर, के इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके तो के निकाल लो उसका 1/k कर दो, दैट इज इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके सो दीज आर सम मोर फॉर्मूलाज। ओके क्लियर, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। ठीक है, बने वैसे बेसिक फॉर्मूला सही हैं। ओके क्लियर, एंड दीज आर सम ग्राफ्स, इसके लिए एक और ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें, जैसे टी हाफ वर्जिस कंसंट्रेशन ए नॉट, ए नॉट पर डिपेंडेंसी नहीं है टी हाफ की, तो कौन सा ग्राफ बनेगा कि जो टी हाफ की वैल्यू आएगी वो वही रहेगी, दैट विल बी लाइक दिस, टी हाफ वर्जिस ए नॉट का ग्राफ विल बी लाइक दिस एज हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, एक और ग्राफ आपका बन गया। ओके क्लियर, सो दीज आर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। ओके नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, गैस फेज रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे कई बार, ठीक है, आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर वाले। ओके क्लियर, और इसमें हम रिएक्शन मान रहे हैं कि देर इज अ रिएक्टेंट ए विच इज गैस एंड दैट इज गिविंग बी एंड सी दैट इज ऑल्सो गैस। ओके और आपने इस चैम्बर को लॉक कर दिया हुआ है, इस चैम्बर में ए डाला था और उसने रिएक्शन करवाई है, और आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, और बी और सी जो बन रहे हैं वो भी गैसेज ही हैं, एंड इनिशियल प्रेशर जो आपने लिया था दैट इज़ पी नॉट, वो तो सिर्फ इस ए की वजह से ही है प्रेशर, क्योंकि इनिशियली बी और सी तो होंगे ही नहीं। ओके और आफ्टर टाइम टी,
ए की वजह से बी और सी बनेंगे, तो ए का कुछ अमाउंट यूज़ होगा, तो ए के कारण जो प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि ए की अमाउंट ही कम हो रही है, बिकॉज यू नो दैट प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ओके क्लियर। तो विद टाइम ए की कंसनट्रेशन कम होगी क्योंकि वो बी और सी में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स ए के कारण जो प्रेशर है वो भी कम होगा, क्लियर, क्योंकि बी और सी बन जाएंगे, बट इनके कारण थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। तो ओवरऑल मिक्सचर का प्रेशर क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के मिक्सचर का प्रेशर क्या आ रहा है आफ्टर टाइम टी, दैट इज़ पी टी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इस कंटेनर में जितनी भी गैसेज है उसका प्रेशर मेजर करेगा ना, दैट इज़ पी टी, ओके क्लियर। बट ए के कारण कितना प्रेशर है वो हमने देखना है ना, क्योंकि हमने चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखनी होती है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपने अप्लाई करवानी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेटेस्ट इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, और मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी जो ए का प्रेशर है वो पी से कम हुआ और बी और सी उतना ही बने होंगे, तो इनका कारण इनका प्रेशर पी पी बन गया, ओके, प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल की टर्म में नहीं, ठीक है क्लियर। तो इनिशियल प्रेशर अगर इसके ए की वजह से पी नॉट आया तो आफ्टर टाइम टी कितना होगा, पी नॉट माइनस पी, क्लियर, और बी की वजह से कितना प्रेशर होगा, पी, और सी की वजह से प्रेशर कितना होगा, पी। बट आपको ये पी कैसे मेजर करना है, ये तो पी आप मेजर कर नहीं सकते, आपने क्या किया है, आपने उस मिक्सचर का आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर मेजर किया, दैट इज पी टी, उसमें ए के कारण प्रेशर कितना है, बी के कारण प्रेशर कितना है, सी के कारण प्रेशर कितना है, वो तीनों आते हैं, इट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू पी टी जो आपने मेजर की है, ओके। तो पी टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्रेशर ड्यू टू ए विच इज इक्वल टू दिस आफ्टर टाइम टी, प्रेशर ड्यू टू बी एंड प्रेशर ड्यू टू सी, इन तीनों का सम किया है, तो यहाँ से पी टी आपके पास क्या आ गया, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी, ओके। ये पी नॉट आपने इनिशियली मेजर कर रखा है क्योंकि ये भी आपने वही इंस्ट्रूमेंट से देखा था, देख रखा था, और पी टी आपने मेजर कर रखा है वो भी इसी इंस्ट्रूमेंट पे देख रखा है, तो आपके पास ये बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि वो वैल्यू चाहिए, ओके, वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, पी टी माइनस पी नॉट, कितना प्रेशर कम हुआ, दैट इज़ पी टी माइनस पी नॉट, ओके क्लियर। और वैसे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बस इसमें गैसेज हैं, क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.323 बाई टी लॉग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई बाई कंसनट्रेशन रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ओके। बट यहाँ पे कंसनट्रेशन तो है नहीं, यहाँ पे प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, पी नॉट, एंड फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना है, पी नॉट माइनस पी, ओके क्लियर। और जो ये पी की वैल्यू है ये तो आप पता लगा नहीं सकते, बट पी की वैल्यू आपने पी टी की टर्म में निकाली हुई है, ये तो ये वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। आप पी नॉट मेजर करते हो और पी टी मेजर करते हो बाय द इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये पी नहीं निकल सकता, पी निकल सकता है इनडायरेक्टली, जैसे ये निकला है पी टी और पी नॉट की हेल्प से, तो ये पी की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्लियर। पी की वैल्यू क्या आ गई, पी टी माइनस पी नॉट आई थी, ये आपने पुट कर दी, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी, पी टी इज़ दी प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर टाइम टी, पी नॉट इज़ दी इनिशियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर था ही नहीं हालांकि वो उसमें तब तब था ही सी, तब था ही ए, ओनली ए, ओके बाई पी, ओके क्लियर। सो दिस इज़ दी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, और ये आता है, क्लियर। और अगर इन दोनों में से सी जो है वो गैस ना होता, मान लो सी इज़ अ सॉलिड और लिक्विड, क्लियर, तब एक्सप्रेशन क्या होता वो आप निकालो, तब ये नहीं होगा पी, ठीक है क्लियर, तब भी आप पी टी मेजर कर सकते हो, क्लियर, तब क्या होगा, तब आप ये बताओ, ठीक है, तब आप ये फाइंड आउट करना, ओके क्लियर, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। एंड दिस इज दी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी डिटरमिन द रेट लॉ, रेट कॉन्स्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके क्लियर, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है हमारे पास, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।